Hello friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Today we will talk about the UP Police Recruitment 2018-19 जहाँ पर फायरमैन जेल वार्डर भर्ती की पोस्टें निकाली गई हैं. तो चलिए डिटेल में बात करते हैं. डिपार्टमेंट नेम इज़ उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड. पोस्ट नेम इज़ फायरमैन प्लस जेल वार्डर. लोकेशन इज़ उत्तर प्रदेश. नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज आर 5317 और इसकी स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट अपडेटिंग सून है. और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको फिल करने का इज़ ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट इज़ uppb.government.in है. आगे देख लेते हैं कैटेगरीज़. कैटेगरीज़ के हिसाब से आपको सारी पोस्टें डिवाइड करके दी गई हैं. मैंने यहाँ पर टेबल शो किया, आप चेक कर सकते हैं. UR, OBC, SC, ST में अलग अलग पोस्टें डिवाइड की गई हैं, आप देख सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 22 साल तक की एज सेट की गई है, जहाँ पे जेल वार्डर की पोस्ट के लिए अगर आप मेल हैं तो 18 से 22 साल तक की एज का होना ज़रूरी है, और अगर आप फीमेल हैं तो 18 से 25 साल तक की एज का होना ज़रूरी है. सैलरी डिटेल्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से दी जाएगी, प्लस आपको अलाउंसेस भी पर मंथ प्रोवाइड किए जा सकते हैं. एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 400 रुपीज़ आपको पे करने होंगे. आप ये किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन थ्रू ई चलान. यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूँ तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट होगा, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी. क्या स्टेप्स हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए uppolice.government.in पर. वहाँ पर आपको एक टैब मिलेगी न्यूज़ इवेंट्स, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए. वहाँ क्लिक करते ही आपको नया लिंक मिल जाएगा जहाँ पे यूपी पुलिस फायरमैन रिक्रूटमेंट 2018 और दूसरी तरफ आपको जेल वार्डर रिक्रूटमेंट, दो चीज़ें दिखेंगी. आप जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए और एक नया लिंक आपको शो होगा, PDF खुल जाएगी. वहाँ पर सारी डिटेल रीड आउट कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अपनी फॉर्म को ओपन कर सकते हैं. सारी की सारी उस फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, चेक कीजिए, करेक्ट कीजिए उनको, देन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए एंड फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं, और फॉर फ्यूचर यूज़ आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. सो विश यू गुड लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट.